अच्छा, टाइटल के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास वो है यूआरएल का और डिस्क्रिप्शन का, यानी कि परमालिंक को डिस्क्रिप्शन का। परमालिंक को हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, अभी हम डिस्क्रिप्शन को हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ भी है कि जब भी आप कोई भी काम करते हैं, गूगल में उस चीज़ को सर्च करें और बाकी लोगों की वेबसाइट देखें कि उनमें क्या कुछ है, उन्होंने क्या गलतियाँ की और कितनी उन्होंने अच्छे काम कितनी अच्छे स्टेप्स किए हैं, जिनको आप फॉलो करके अपनी वेबसाइट में भी उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइवर ट्यूटोरियल, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ रिज़ल्ट आ गए। लेकिन अगर उनकी डिस्क्रिप्शन पे आप देखें, जैसे कि लेट सपोज यही वाली मैथ्यू वर्ड वुडवर्ड की वेबसाइट है, इसने डिस्क्रिप्शन लिखी है लेकिन मनी के बाद डॉट 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 आ गए। अब लेट सपोज एक यूज़र एक चीज़ को पढ़ते हैं, डिस्कवरी एग्जैक्टली हाउ आई अर्न 1,060 44 ऑन फाइवर, ठीक है, लेस देन 30 डेज, आई शेयर माई फाइवर मेथड स्टेप बाई स्टेप टू हेल्प यू स्टार्ट मेकिंग मनी। उसके बाद चीज़ थोड़ी सी आगे चली गई, मतलब उसमें नहीं है। लेकिन अगर आप इस वाले को पढ़ें तो इसने यहाँ पे एक पैराग्राफ को कंप्लीट कर दिया है, जो गूगल का ये गूगल की डिस्क्रिप्शन स्नैप प्रीव्यू है, ठीक है। उसके बाद अगर आप नीचे देखें, यहाँ पे भी कुछ चीज़ें आधी आ गई हैं लेकिन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई हैं। तो ऐसे एक एक को आप देखें, आपको यहाँ पे आइडिया हो जाएगा कि हाँ इन्होंने कितनी गलतियाँ की हैं। पूरी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे शो नहीं हुई, जब पूरी डिस्क्रिप्शन शो नहीं होती तो यूज़र इस चीज़ को ठीक से नहीं समझ पाता कि हाँ इस वेबसाइट में क्या। बहुत से लोग होते हैं वो डायरेक्ट क्लिक नहीं करते, वो पहले टाइटल को रीड आउट करते हैं और उसके बाद फिर डिस्क्रिप्शन को एक नज़र देखते हैं। अगर उसमें जो ये दो फर्स्ट दो लाइनें होती हैं, ये एक पैराग्राफ होता है, उस पर उनको समझ आ जाए और उसमें उसका वो जो लोग जो चीज़ तलाश करें इसमें मिल जाए तो वो उस पर क्लिक करते हैं, अदरवाइज़ वो उसको लीव करके आगे जाते हैं। क्योंकि इतने नज़दीक नज़दीक रिज़ल्ट आप देख सकते हैं, फर्स्ट ये तो यूट्यूब के आ गए, उसके बाद ये वेबसाइट, तो वो उससे नज़रें हटा के नीचे वाले पे आ जाते हैं। यहाँ पे अब आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है, आपने ध्यान रखना है कि आप ऐसे कुछ लिखें, ऐसी दो लाइनें लिखें, आप ज़्यादा ही लिखते हैं, लेकिन जहाँ तक गूगल उसको अपने यहाँ पे लोगों को शो करेगा, ठीक है, जो लोग चीज़ों को सर्च करेंगे उनको शो करेगा, तो उसमें ऐसी दो लाइनें लिखनी हैं कि उसमें आपके तमाम वर्ड्स भी आ जाएँ। अगर तमाम वर्ड्स कीवर्ड ना भी आए तो यूज़र जो है वो उस चीज़ से अट्रैक्ट हो सके और उसको वो सेटिस्फाइड हो सके। तो उस सिलसिले में आपने यही टूल दोबारा यूज़ करना होगा, SEO मोफो वाला टूल बहुत ही अच्छा टूल है। अब लेट सपोज़ मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट के अंदर आता हूँ, इस डैशबोर्ड के अंदर, ठीक है, और इसकी जो डिस्क्रिप्शन लिखी है मैंने उसको मैं आपको कॉपी करके देता हूँ कि वो मैंने क्या लिखी हुई थी। अच्छा, तो ये मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी है, मैं इस पे यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक करता हूँ और इधर से इसको ऐसे कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो आप इधर देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली जो चीज़ जितना कुछ हमने लिखा जहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर पेस्ट किया, ये नीचे हमें बता रहा है कि ठीक है, बिल्कुल गूगल में आपका जो ये स्नैप प्रीव्यू भी ऐसे नज़र आएगा और ऊपर ये आपका इस टाइप का टाइटल नज़र आएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी सोचने वाली बात यह है कि लेट सपोज मैं यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें और लिखता तो देखिए कितना कुछ यहाँ पे मज़ीद भी ऐड हो सकता है, ठीक है, तकरीबन इतना यहाँ पे ये टेक्स्ट मज़ीद ऐड हो सकता है। अब मैंने यहाँ पर ये क्यों नहीं लिखा, ठीक है, अब मैं आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही अहम, मतलब इस पर आपको अपने आप को समझाना चाहिए। अगर यहाँ पे आप देखें, इसको हम कहते हैं जो पोस्ट की डेट होती है जब इसको आप ऑन करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, हम जब मेटा सेटिंग कर रहे थे, इस योस्ट प्लगइन की सेटिंग कर रहे थे तो हमने इसकी सेटिंग की भी थी, जब हम पोस्ट करते हैं जिस डेट पे पोस्ट होती है वो डेट साथ में यहाँ पे शो होती है जब गूगल में वो पेज इंडेक्स हो जाए, ठीक है। तो ये जो डेट शो होती है ये हमारी डिस्क्रिप्शन से कटौती होती है, ठीक है। अगर हमें अभी लेट सपोज़ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखने की तकरीबन 156 या फिर आप कह लें कि 155
करेक्टर की डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं, लेकिन जब उसमें ये डेट आएगी, अगर आप ये करेक्टर इनको गिने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के तकरीबन 11-12 करेक्टर ये डेट के जो हैं ये हमारी डिस्क्रिप्शन से काटे जाएंगे। और बहुत से लोग इस पे ख्याल नहीं करते, उन्होंने ये ऑप्शन ऑन किया होता है, ये ऑप्शन उनका टर्न ऑन होता है, ठीक है, ये जो है डेट वाला, लेकिन उसके बाद भी वो 150, 155 और 156 वर्ड का वो लिखते हैं या ऐसे पेस्ट करते हैं और देखते हैं कि हाँ बिल्कुल ये चीज़ तो पूरी नज़र आ रही है, लेकिन हकीकत में वो फिर कट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब इसमें डेट आती है लाजमी बात है ये थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस आ जाएगा और ये आपकी जो लाइन है ये आगे चली जाएगी। गूगल ये नहीं कि ये अब जो आपकी डेट है ये आपकी डिस्क्रिप्शन से इसकी कटौती होती है, यहाँ से इसकी काउंटिंग आपकी इससे होती है, ठीक है। तो अब उसके लिए आप क्या करेंगे, अगर यहाँ पर आप देखें ये है एड एडेड, ठीक है, इस साइट पे अगर आप देखें उन्हें एक ऑप्शन रखा हुआ है एड एडेट, तो एड एडेट पे क्लिक करें और उसके बाद सिंपली ठीक है यही डेट हमें चाहिए, अच्छा डेट यही है लेकिन ऐड नहीं हो रही, तो मैं इसको, अच्छा सॉरी ऐड हो गई थी वो मैं ऊपर देख रहा था, यहाँ पे नीचे बेसिकली ऐड होती है। अच्छा मैं इस पेज को थोड़ा सा वो रिफ्रेश कर देता हूँ, ये आप नीचे अभी देख सकते हैं डेट ऐड हो गई। मैं इसका टाइटल भी यहाँ से कॉपी करता हूँ और इधर आके पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब ये अगर आप लोग देखें तो ये हमारा टाइटल है जो कि गूगल से प्रीव्यू में पूरा नज़र आएगा, उसके बाद ये हमारी पोस्ट की ऐसे डेट नज़र आएगी और उसके बाद इन्वेस्टमेंट तकरीबन पूरा नज़र आएगा। अभी अगर आप लोगों को मैं ये एग्जैक्ट पोस्ट बिल्कुल दिखा दूँ कि ये हकीकत में गूगल ने इसको कैसे पिक किया हुआ है, तो आप लोग देख सकेंगे कि बिल्कुल हमें जो ये यहाँ पे ये टूल बता रहा है बिल्कुल ऐसे ही गूगल ने भी इसका स्नैप प्रीव्यू लिया हुआ, पहले से एक डेट है फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन पूरी यहाँ पे आ रही है। अगर आप लोग देखें बिल्कुल एग्जैक्ट ये देखें, ये भी गूगल का लाइव प्रीव्यू है, इस गूगल ने जो मेरी वेबसाइट की यहाँ से डिस्क्रिप्शन उठाई है उसके बाद बाकी चीज़ें उठाई हैं बिल्कुल सेम टू सेम, अभी हमें इसने पहले ही बता दिया है कि हाँ गूगल ऐसा इस चीज़ को शो करवाएगा, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी होती है कि अगर आपने डेट का ऑप्शन ऑन किया हुआ है फिर आपने यहाँ पे आके ये जो SEO मोफो टूल है इसके अंदर एड एडेट पे क्लिक करें, क्योंकि देखें जब आप इधर आते हैं इस योस्ट प्लगइन के अंदर आते हैं इसके अंदर आप कोई भी चीज़ लिखते हैं ये आपको ये नहीं बताते कि हाँ ये गूगल में नज़र आएगा या नहीं। देखें लेट सपोज़ अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ ठीक है, तो ये तकरीबन ये यहाँ तक ये बताते हैं कि ठीक है ये इधर तक नज़र आएगा, ठीक है, ये आप देख सकते हैं अभी इसने मुझे कोई भी ऊपर यहाँ पे वो नहीं दिया हुआ, ठीक है, नीचे रेड लाइन आ गई, नीचे टेक्स्ट हमारा रेड हो गया लेकिन यहाँ पे ये हमें नहीं दे रहा। अब अगर मैं इसको इधर पेस्ट करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं इसने हमें डायरेक्ट बता दिया कि बिल्कुल जो विदाउट लिखा हुआ है कहाँ पर विदाउट ये, ठीक है, इसके बाद आपके जो आगे टेक्स्ट है वो शो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम डेट के ऑप्शन को अपनी वेबसाइट से ख़त्म करते हैं गूगल SEO के योस्ट प्लगइन से, तो फिर ये जितना कुछ हमने लिखा हुआ है ये तमाम यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये गूगल का जो स्नैप प्रीव्यू है जो सर्प रिज़ल्ट होता है, ठीक है, सर्च इंजन रिज़ल्ट पेज, वहाँ पर ये चीज़ नज़र आएगी, लेकिन डेट एड करते हैं तो नज़र नहीं आती। अगर आपने डेट एड करनी है डेट मैं आपको यहाँ पर बता भी दूँ, अगर इधर आप आते हैं SEO और उसके बाद टाइटल एंड मेटर्स, यहाँ पे अगर आप आ जाएं ये देखें होम पेज, सॉरी होम पेज नहीं पोस्ट टाइप, ठीक है, पोस्ट टाइप के अंदर डेट इन स्नैप प्रीव्यू, ठीक है, इसको मैंने शो किया हुआ है, इसको अगर आप हाइड करते हैं फिर डेट शो नहीं होती।
ठीक है, डायरेक्ट अगर आप इसको हाइड करते हैं एकदम से, जो आपकी जितनी भी पोस्ट हैं उनसे डेट ख़त्म नहीं होगी, कुछ दिन लगेंगे उसके बाद फिर यहाँ पे ये डेट ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये लाइन थोड़ी सी पीछे आ जाएगी और उसके बाद नेक्स्ट टाइम फिर आप डिस्क्रिप्शन को ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करते हैं, अगर आपने डेट ऑन की हुई है तो इसको ऐसा कर दें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं अगर आप लोगों को मज़ीद थोड़ा सा इसमें थोड़ा एडवांस जाके बताऊँ तो उसमें ये एड रिच स्निप टेक्स्ट भी है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आऊँ और दिखाऊँ आप लोगों को, लेट सपोज जैसे है फाइवर, ठीक है, अब देखिए ऊपर मैंने फाइवर लिखा और नीचे ये जो वेबसाइट है एक गूगल की, और एक बल्कि इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पे आप लोग वैसे ही कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे मैं लिखता हूँ ठीक है, रेस्टोरेंट्स इन चिकागो मैंने लिखा, ठीक है, अब रेस्टोरेंट, अब शिकागो में जितने अच्छे रेस्टोरेंट हैं मैंने यानी कि सीओ के हिसाब से जो उन्होंने जितनी अच्छी सिटिंग की होगी यहाँ पे वो शो होंगे। इधर अगर आप लोग देखें थोड़ा सा तो ये वाली जो पोस्ट है, ये वाली, ठीक है, ये न्यूज़ की पोस्ट है, कितना ज़्यादा इसने यहाँ पे टैक्स लिया हुआ है, यानी कि इसका जो स्नैप, अब ये जो स्नैप प्रीव्यू है बहुत ज़्यादा यहाँ पे शो रहा है। अब यहाँ पे आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हमारी जो वेबसाइट है उसके लिए 150 करेक्टर यहाँ पे गूगल शो करते हैं और बाकी लोगों की वेबसाइट के लिए इतने ज़्यादा वर्ड्स। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे फाइवर भी लिखते हैं, जैसे कि मैंने ये भी कुछ टाइम पहले लिखा था, तो भी कुछ वेबसाइट ऐसे आएंगी, जैसे कि ये ट्विटर की हो गई, फिर यहाँ पे वेबसाइट आ गई, कुछ यहाँ पे रेटिंग भी शो होती है और बाकी बहुत कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें शो होती है। और आप लोगों ने खुद भी देखी होगी लास्ट टाइम जब आप वेबसाइट लिखते हैं 3-4 लाइनें यहाँ पे शो होती हैं, तो बेसिकली वो तमाम की तमाम लाइंस नहीं होती, वो उसको हम कहते हैं ऐड रिच स्निप टेक्स्ट। ठीक है, रिच स्निप टेक्स्ट उन वेबसाइट के लिए सिर्फ ऐड किया जाता है जो कि ई कॉमर्स की वेबसाइट हो या शॉपिंग बेस्ड वेबसाइट हो। ठीक है, जैसे कि यूडीमी हो गई, अगर आप यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, यूडीमी का कोई कोर्स लिखते हैं जैसे यूडीमी SEO, ठीक है, तो ये आप नीचे देख सकते हैं, जैसे मैंने यूडीमी SEO पर लिखा तो इधर रेटिंग आ गई, और उसके बाद जितनी रेटिंग इस कोर्स को इस को दी गई हैं, लोगों ने दी हैं, ठीक है, वो शो रही हैं, तो ये एक एक्स्ट्रा लाइन आ जाती है। जो बाकी की 2 लाइन है वो तो सेम टू सेम, इसके लिए भी इतना रूल है कि 150 करेक्टर से ज़्यादा अगर कोई भी चीज़ ये डिस्क्रिप्शन लिखेगा आगे डाउट डाउट आएंगी। ठीक है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये आ गया कि रेटिंग भी शो रही है, तो ये उन वेबसाइट के लिए अवेलेबल होती है, गूगल इस चीज़ को चेक करता है। आप जब गूगल वेब मास्टर के अंदर हम जाएंगे, मैं आपको बता दूंगा इसका, ठीक है, अप्लाई हर कोई कर सकता है, ईजीली है, लेकिन इसको गूगल अप्रूव इतनी जल्दी नहीं करता। गूगल सर्प ये सॉरी एड रिच स्नैप टेक्स्ट, ठीक है, ये रिच स्नैप टेक्स्ट वाली की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर इस पर मैं क्लिक करूँ, अब नीचे आप मेरी वेबसाइट देख सकते हैं, ये कुछ ऐसे शो होगी, तो ये उन वेबसाइट पे शो होती है जिनको पे रेटिंग हुई होती है, या जो इसे ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, इसकी बेसिकली इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, मैं इसको अनचेक करता हूँ। लेकिन जब आपकी वेबसाइट पे ये चीज़ हो, कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट हो या जहाँ पे कोई स्टोर वगैरह हो वहाँ पे रेटिंग दी गई हो, फिर आपको इसको भी चेक करना चाहिए कि और देखना चाहिए कि हाँ आपकी ये जो डिस्क्रिप्शन है इसके साथ कैसे नज़र आएगी, इसके साथ ये चीज़ मैच करती है और कितनी अच्छी नज़र आती है। इससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि हाँ ऊपर जब मेरी रेटिंग ऐसे शो होगी, नीचे मैंने उसके साथ मिलते जुलते वर्ड या कुछ ऐसे अट्रैक्शन वाले वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, तो इस पर इंशाल्लाह हम गूगल वेब मास्टर टूल के अंदर बात करेंगे, वहाँ पर एक ऑप्शन होता है डेटा हाईलाइटर वाला, उसके ज़रिए से आप इसको अपने जो आपके ऑनलाइन स्टोर होते हैं, ई कॉमर्स की वेबसाइट होती है जहाँ पे रेटिंग वगैरह लोग देते हैं, अवेलेबल होती हैं, ताकि गूगल के जो जो स्पाइडर है, क्रावल है, वो उसको देख सकें, तो वो हम डेटा हाइलाइटर की मदद से इस ऑप्शन को एड रिच स्नैप को ऑन करते हैं, ताकि जो हमारी वेबसाइट के रिजल्ट गूगल में नज़र आए उसके साथ साथ हमारी डिस्क्रिप्शन टाइटल पर मलिंग के साथ ये नीचे जो रेटिंग है ये भी शो हो।